हर तरफ नवरात्रों की धूम है। चंडीगढ़ में भी खासी रौनक नजर आई। सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर की रौनक बता रहे हैं वहां के पुजारी, किस तरह से माता के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर में है। मंदिर के पुजारी इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इस बार माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी। पंडित जी, बड़ा ही शुभ संयोग कह सकते हैं कि 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की इस बार पूजा होने वाली है। हाँ, बड़ा शुभ अवसर है। जय माता दी। आप सबको पहले शरद नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से जो है शरद नवरात्र का जो है पूजन आज से शुरू हो जाएगा। 9 दिनों तक माँ शक्ति की शक्ति जो है अर्जित करने के लिए सभी भक्तजन जो है अपनी सात्विक शक्ति को जागृत करने के लिए माँ की पूजा अर्चना करेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे और प्रेम से श्रद्धा से जो इस प्रकार जो अर्चना 9 दिनों तक शक्ति की करेंगे, वो माँ सबकी मनोकामना पूरी करेगी, सबका जो है को आशीर्वाद देगी। तो इस प्रकार जो है आज से जो है नवरात्र का शुभारम्भ, आज प्रथम शैलपुत्री जी का जो है आज पूजन होगा, फिर कल द्वितीय ब्रह्मचारिणी का, इस प्रकार 9 दिनों तक जो है माँ के 9 रूपों का पूजन जो है प्रत्येक दिन होता रहेगा। पंडित जी, माता की जिस तरीके से 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, किस तरीके से विधि विधान पूजा अर्चना करने की रहती है? विधि विधान आम भक्तजनों के लिए यही है, सबसे पहले उठे स्नान ध्यान करके माता का जो है माता की जोत जलाएं, अखंड जोत जला सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे नित्य नियम से अपना जोत जला के पूजा अर्चना करके माता का कोई दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं जो साधारण अपने जो, और या फिर दुर्गा स्तुति कर सकते हैं, माता के पूजा अर्चना आरती यथाशक्ति जो कर सके, या बीज मंत्र का जो मंत्र कोई ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय बचे, इस मंत्र का कोई नवारण मंत्र का जितना कोई जप कर सके तो ये बहुत ही प्रभावशाली और शुभदायी सब भक्तों के लिए होगा। तो नित्य नियम से जितना हो सके माता के स्तुति जो आरती वगैरह जो करना चाहे नित्य नियम से कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त अपना माता का कर सकते हैं। चेतकुल परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ऐसा ही संदेश यहाँ पर देते हुए पंडित, और इनका कहना है कि माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और पीछे आप तस्वीर देखिए माँ दुर्गा की, और किस तरीके से माँ दुर्गा को यहाँ पर सजाया गया है। 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि रहेंगे और 9 दिनों तक माता के हर 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ दुर्गा को यहाँ पर सजाया गया है, और बड़ा ही शुभ संयोग माना जा रहा है क्योंकि 9 दिनों तक पूजा अर्चना होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडित ने भी यहाँ पर बताया कि पूजा अर्चना करने की किस तरीके से विधि विधान से आप कर सकते हैं, और जो श्रद्धालु भी हैं भारी तादाद में यहाँ मंदिर में पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। तो नवरात्रों की रौनक है और 9 दिनों तक मां की भक्ति में सभी श्रद्धालु लीन रहेंगे। चंडीगढ़ में देवी मां के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार किस तरीके से नवरात्रि मंदिरों में मनाए जा रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ पंडित जी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से शारदीय नवरात्रों की अगर बात करें, इस बार के नवरात्रि कितने शुभ हैं, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी के स्वरूप 9 दिनों तक माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी थी कुष्मांडी, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाती थी, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च महागौरी चषकम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गाम प्रकृति धाम। 9 दिनों तक प्रत्येक दिन अलग अलग रूप से इस समय नवरात्रि भी पूरे हैं, बहुत ही शुभ नवरात्रि हैं इस समय और बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे, और माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करेगी। जो भी भक्तिपूर्वक संयम नियम से माँ भगवती की पूजा अर्चना करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। श्रादी नवरात्रों का कितना महत्व है पंडित जी, क्योंकि इस बार क्योंकि 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की पूजा भी होनी है, पूजा होगी और प्रत्येक दिन अलग अलग स्वरूपों से पूजा की जाएगी, और जो भी जिस मनोकामना से माँ भगवती की स्तुति करेगा, पूजा करेगा, व्रत उपासना करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस बार कोई खास संयोग भी बनाए? विशेष खास सहयोग नहीं है, ये तो माता का पर्व है, लेकिन इस समय बहुत ही शुद्ध और सही है, कोई वो नहीं है, व्यवधान कुछ नहीं है, बहुत ही शुभ रहेगा। पंडित जी, जिस तरीके से रविवार के दिन पहला नवरात्रि पड़ा है, माता रानी
हाथी पर सवार होकर पहुंची हैं, इसका कितना महत्व है, किस तरीके से? इसका तो हर सिद्धि सिद्धि की, हर मनोकामना की पूर्ति होगी। लक्ष्मी, धन चाहने वाले को धन मिलेगा, संतति चाहने वाले को संतति मिलेगी, पुत्र पौत्र सब मनोकामना पूरी होंगी, कष्ट निवारण के लिए भी अच्छा रहेगा, सब चीज़ों के लिए फलीभूत रहेगा। बिल्कुल, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और हर एक स्वरूप की अगर बात करें तो कहा जाता है कि अगर विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो माता रानी सब मनोकामना पूर्ण करती है। जिस तरीके से आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से आस्था है माँ? हाँ, आज का दिन, आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और सब तरफ सजावट का काम शुरू हो चुका है और दुर्गा स्तुति पढ़ेंगे और मंदिरों में आके आशीर्वाद लेंगे और 9 दिन 9 देवियों की पूजा होगी और ईश्वर करे कि ये सभी के लिए मंगलमय हो और सभी प्राणियों की रक्षा हो और जय माता की। बिल्कुल, देखिए मंदिरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और विधि विधान से यहाँ पर माता के 9 रूपों की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से माँ दुर्गा के को यहाँ पर सजाया गया है। माँ दुर्गा के नवरात्रों का आज पहला दिन है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी और रविवार का दिन है, पहला नवरात्रे हैं और रविवार के दिन इस तरीके की मान्यता है कि माता रानी हाथी पर सवार होकर पहुंची है, जिसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस बार 9 दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिनों तक ही की जाएगी और आप चंडीगढ़ के मंदिरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं लगातार पूजा अर्चना करने के लिए पहुँच रहे हैं। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। तो चंडीगढ़ की रौनक हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि माँ दुर्गा की असीम कृपा उन पर बनी हुई है, हर मनोकामना सबकी पूरी होगी। ये माता के नवरात्र बहुत शुभ होते हैं, माता साक्षात धरती पे आती हैं और सबके कष्ट निवारती हैं। इस बार के नवरात्रे पूरे 9 दिन चलेंगे और माता रानी की कृपा हम सब पे बनी रहे। मैं घर में अखंड जोत जलाती हूँ, 9 दिन 8 दिन पूरे व्रत रखती हूँ, अष्टमी को पूजती हूँ माता रानी के और मेरा पूरी आस्था है माता रानी पे। हाँ, मैं ना देवी माँ पर बहुत विश्वास है, नौ दुर्गा माता के ऊपर बहुत विश्वास है। हम सुबह नहा धो के जोत बत्ती करते हैं तो उसके बाद हम पूरा दिन उपवास भी रखते हैं, फिर शाम के टाइम फिर हम पूजा पाठ करते हैं, माता की जयकारा लगाते हैं और आरती करते हैं। नवरात्रों का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है और नवरात्रों में हम सारे फास्ट भी रखते हैं और इसी दिन से सारे अच्छे कार्य और गुड टाइम्स का सबका सब शुभ आरंभ हो जाता है। अष्टमी पे जोत जलाकर माता रानी की पूरी पूजा करके कंजकों को खाना खिला के इसका उद्यापन करते हैं।